दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अमन रोन 2 पर। दोस्तों आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही 99 यूट्यूबर अभी यूज कर रहा है। दोस्तों तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमन रोन 2। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के क्रोमो ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों तो आपको क्या करना है, दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है DU Recorder। आपको सर्च करना है दोस्तों DU Recorder लिख के आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार के पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो दोस्तों आपको सामने इस तरह देखने को मिलेगा, तो आपको स्क्रॉल करना है और आपको सामने कुछ इस प्रकार एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मोर ऐप्स में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर का जो है एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन 99 यूट्यूबर जो जिस एप्लीकेशन का उपयोग करता है दोस्तों, तो आपको वो फर्स्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फर्स्ट वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर जा करके आपको डाउनलोड होने लगेगा। दोस्तों यह एप्लीकेशन अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा दोस्तों तो नहीं आएगा। दोस्तों अगर यहां से कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर खुल जाएगा। दोस्तों तो हमने यहां डाउनलोड करके रखा है दोस्तों, तो हमने यहां डाउनलोड करके रखा है तो बैक आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों, तो आप जैसे कि हमने यहाँ से एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने ओपन कर लिया तो यह एप्लीकेशन का जो फर्स्ट आपका होम पेज है कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको उस पर कुछ सेटिंग्स करना होगा दोस्तों। तो आपके मोबाइल के ऊपर बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के राइट साइड के ऊपर में आपको सेटिंग्स का लोगो जो है उस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके जैसे कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि वीडियो रेजोल्यूशन का। तो आप अपने पसंद से आप अपने हिसाब से क्वालिटी वीडियो रेजोल्यूशन का क्वालिटी जो है आप घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, आप अपने पसंद से रख सकते हैं। उसके बाद बात आता है दोस्तों वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी भी आप यहां से अपने पसंद से आप रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने करके रखा है दोस्तों 12 Mbps में, तो आप चाहो तो रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन में आपको FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप यहां से भी आप अपने पसंद से आप रख सकते हैं, लेकिन हम यहां ऑटो करके रखा है दोस्तों। उसके बाद आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग्स ये है दोस्तों कि आप चाहते हो कि जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ साथ मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वाला वॉइस रिकॉर्डर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ ऑन करके रखा है तो आप यहाँ कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक ध्यान देनी बात ये है दोस्तों कि आप स्क्रॉल करना है और आपके सामने एक नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे कि आपका थोड़ा सा वेट कर लेना है दोस्तों, ज़रा सा यह एप्लीकेशन यहाँ, तो आप यहाँ से वाटर मार्क आता है दोस्तों, तो यहाँ आपका ऑन होगा। जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपका यहाँ जो वाटर मार्क है आपका ऑन होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑफ कर देना है, नहीं तो आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डर कीजिएगा तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर पर जो है वीडियोज़ पर वाटर मार्क आएगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार आप इसको ऑफ कर दीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद जब सारे सेटिंग्स हो जाएगा दोस्तों, तो आप अपने मोबाइल के होम पेज पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों, तो आपके मोबाइल के साइड में स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे मोबाइल के स्क्रीन के साइड में इस प्रकार का लोगो आ चुका है, तो आपके भी मोबाइल के स्क्रीन में इस प्रकार का लोगो आ जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल के होम पेज से आपको ऊपर की ओर से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार के आपके सेटिंग्स दिखाई देगा दोस्तों। बहुत सारे सेटिंग्स का आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपके सेटिंग्स दिखाई देगा। तो आपको अगर रिकॉर्डिंग करना हो तो आप रिकॉर्डेड में क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, आपको बताने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है दोस्तों। तो 99% इसी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है दोस्तों, तो आप उपयोग कर लीजिएगा दोस्तों। आपको ध्यान से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों DU Recorder। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि DU Recorder आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।